हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो, दोस्तों, यारो, मलंगो, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही पढ़ा थंबनेल के ऊपर, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि स्टॉप अभी बिल्कुल कोई बंदा भी फ्लाइट जो है वो बुक ना कराए। क्या वजह है? वजह यह है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी कन्फ्यूजन है, बहुत से क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक ऑथेंटिक और वैलिड जो है वो रीज़न दूंगा कि अभी फ़िलहाल आप जो टिकट है वो क्यों बुक ना कराएं। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखें, जैसा कि आपको पता है कि एक लिस्ट दी है दुबई गवर्नमेंट ने कि अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स जो जो उन्होंने बताई हैं अगर आप ये सारी फुलफ़िल करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आप 23rd of June के बाद किसी दिन भी फ़्लाइट बुक करवा के ट्रैवल करके आ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यह है कि बहुत से लोग हैं वो मतलब बहुत जल्दी कर रहे हैं, जल्दी इस तरह कर रहे हैं। अब मेरे पास अगर रेजिडेंस वीज़ा है, उसके बाद मैंने डोज़ भी लगवाई हैं वैक्सीन की, दोनों डोज ली हुई हैं और मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है यार कि मैं मतलब जो दुबई गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उस पर मैं पूरा उतरता हूँ, मैं बस जाता हूँ जाके बुकिंग करवा के उसके बाद मैं ट्रैवल करता हूँ। लेकिन आप अभी फ़िलहाल ना कराएं। वजह क्या है? वजह यह है कि उसके अंदर दो पॉइंट ऐसे हैं। एक पॉइंट जो उसके अंदर मेंशन है वो ये है कि रैपिड पीसीआर टेस्ट। अब ये जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है ये कहाँ से होता है? एक तो आपने नॉर्मल पीसीआर टेस्ट करवाना है जो 48 आवर बिफोर, ठीक है ना, 48 घंटे पहले। अब उसके बाद जब आपकी जो फ़्लाइट टाइम होगा, जब आपने डिपार्चर करना होगा, उससे 4 घंटे पहले आपने एक और रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना है, उसकी भी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए। अब बंदा जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, उसके बाद वहाँ जाके उसने दोबारा टेस्ट कहाँ से करवाएगा वो? अब वो कहाँ से करवाएगा? वो करवाएगा एयरपोर्ट पर। ये जो रैपिड पीसीआर टेस्ट की जो फैसिलिटी है ये मोस्टली एयरपोर्ट्स के ऊपर ही मौजूद होती है। अब मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि अभी आप फ़िलहाल बुक ना कराएं? क्योंकि इंडिया के बहुत से, क्योंकि मैंने अभी बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी मैंने बात की है, वहाँ से मैंने एयरपोर्ट से भी चेक करवाया, तो बहुत से ऐसे जो इंडिया के एयरपोर्ट हैं जहाँ पे ये जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है उसकी सहूलत अभी तक ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक बहुत से एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात जो आप बुकिंग की बात करें, अगर आप फ़्लाइट बुक करवा लेते हो, ठीक है, और फ़्लाइट की जो चार्जेज़ हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं, इतनी ज़्यादा, मैंने काफ़ी जगहों से पता करवाया और जो उसकी जो प्राइस आ रही है वो हर बंदा, हर ट्रैवल एजेंसी अपनी प्राइस चार्ज कर रहा है। मिनिमम जो प्राइस है वो 7-8 हज़ार दिरहम से लेके कुछ लोग तो 15-15 हज़ार दिरहम तक उसको चार्ज कर रहे हैं। अब 7-8 हज़ार दिरहम अपना इंडिया का कितना बनता है? 1.5 लाख, मतलब आप ये समझिए कि 1.5 लाख से 2 लाख दिरहम की आपको फ़्लाइट मिलेगी, वो भी वन वे, मतलब आपको इंडिया से यहाँ आना है। अब होगा क्या, अगर आप 1.5-2 लाख ठीक है आप खर्च कर देते हैं, आप पे कर देते हैं, आपने फ़्लाइट बुक कर दी, उसके बाद आप जब एयरपोर्ट पे गए और वहाँ पे अगर रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत मौजूद ही ना हुई तो आप फिर क्या करोगे? फिर आपकी फ़्लाइट जो मिस हो जाएगी। अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है या आप लेट हो जाते हो, उसके बाद आपको दोबारा रीबुकिंग करानी पड़ेगी और दोबारा रीबुक करने के लिए अगेन इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप अभी क्या करो, फ़िलहाल आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, कुछ दिन के लिए रुक जाओ। इवन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो दुबई गवर्नमेंट की, अगर सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी भी होती हैं, आप पूरे कर रहे हो, मतलब आपका जो रेजिडेंस वीज़ा है वो लगा हुआ है, जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उसकी दोनों डोज आपने ली हुई हैं, सब कुछ है, वैलिड वीज़ा है आपका, एक्सपायर्ड वीज़ा भी नहीं है, हर चीज़ आपकी मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल एटलीस्ट 4 से 5 दिन वेट कर लो, एक हफ़्ता वेट कर लो, उसके बाद चीज़ें और क्लैरिफाई होने दो। प्लस जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है उसकी जो इंडिया के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं उसके अंदर वो सहूलत भी हो जाए, उसके बाद आप जो है वो प्लान करो और आओ बुक करो। देखो, होगा कि आप वहाँ पे करोगे, पैसे खर्चा होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, और मैं आपका ही भला चाहता हूँ। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।